स्क्रू लेकर हम स्टील की फ्रेम को दीवार से कस देंगे। उस पर प्लाईवुड की परत चढ़ाएंगे। उसके बाद स्टील की फ्रेम रखकर उस पर गद्दे और पिल्लो रख देंगे। बेड इतना मजबूत बनेगा कि गोरिल्ला भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अब कमरे में ऐसी फिट कर देंगे। एक और स्टील के फ्रेम पर प्लाईवुड लगाकर उसका टेबल बनाएंगे, जिसमें किताबें रखने के लिए दो अलमारियां होंगी। नीचे भी किताबें रखने के लिए जगह होगी। अब इस टेबल पर बच्चा अपनी पढ़ाई और डेली का प्लान कर सकता है। अब दीवार के अंदर लाइट्स और पावर पॉइंट लगाए जाएंगे, जिसमें फोन और बाकी चीजें भी रखी जा सकती हैं। बेड के साइड में बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे, जिसमें गद्दा और सूटकेस आ सकती है, और दूसरी तरफ बहुत सारे खिलौने भी अंदर आएंगे। इसके ऊपर कपड़े रखने के लिए अलमारी बनाई जाएगी, जिसमें ग्लास के डोर लगे होंगे, और आखिर में बेड के नीचे तीन डोवर आएंगे, जिसमें छोटे बड़े कपड़े आएंगे।